सीएफआई द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया गया, इसको लेकर के नीतीश राणा जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कहा है कि चुन चुन करके मारेंगे। पागलपन के अलावा क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है एक प्रोटेस्ट का इजहार है, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गया, लेकिन एक प्रोटेस्ट का इजहार है कि हम भाई अब चिढ़ा रहे हैं आपको, विरोध कर रहे हैं कि नहीं साहब आप जो कर रहे हैं उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध के स्वरूप जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं, कह दीजिए तो वो चला जाएगा। इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए, बात का चुन आप उसका जवाब क्या दे रहे हैं, चुन चुन करके मारेंगे, इसी का विरोध, इसी का तो प्रोटेस्ट है ये कि जो आप चुन चुन करके मार रहे हैं। आज क्या हालत हो गई है भाई, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है कि कनाडा जाने वाले लोग सावधान रहें, वहाँ भारतीयों के खिलाफ घृणा का अभियान चल रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा भाई, आज के अखबार में है 1000 गुना जो है ज़्यादा भारतवंशियों के खिलाफ नफरत का ये इजहार होने लगा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, यूरोप के और अन्य मुल्कों में। क्या वजह है, आप यहाँ एक घृणा और नफरत जो का जो ये चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उसका खमियाजा जो है भारतवंशियों को जिन जिन देशों में वो हैं वहाँ भोगना पड़ रहा है, ये हालत हो गई है। इसलिए चुन चुन करके मारेंगे, ऐसा लग रहा है कि जैसे माने बपौती है राज, जिसको जब मन में आएगा काट देंगे। दूसरी तरफ कुछ नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि प्रो पाक स्लोगन रेज करना भी एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट है, इसको जस्टिफाई करें। डिफेंस आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है, शिवानंद जी ने, कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना एक प्रोटेस्ट करने का इजहार मार्क ऑफ प्रोटेस्ट तरीका है। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन भी हुआ तब से जंगल राज तो वापस आया ही है, जो रही सही कसर थी वो कुछ ऐसे बयानों से भी पूरी हो जाती है, जो देश के अंदर बैठकर भी देश विरोधी ताकतों के पक्ष में नारे लगाने का काम करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इनके खिलाफ तो जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो भी करनी चाहिए और उनको पूरे देश से माफी भी मांगनी चाहिए।